हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिटेल में बताऊंगा, आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैक्सिमम रिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है इससे पहले जो बिगनर्स हैं उन्होंने कहीं और वीडियोज भी देखी हों लोगों की सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और उनकी क्वेरीज बहुत सारी रह गई होंगी। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि समझा पाना थोड़ा मुश्किल काम है ये। इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन एसएससी करवाता है, और एसएससी के हर एग्जाम को हम डिटेल में लेके जाते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में आपको समझाते हैं। सारे एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, आपको हर अपडेट मिलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं कोई चीज़ बताऊँ फिर भी आपके डाउट्स आ जाएँ। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, एक और सेशन मैं ले आऊँगा। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ आ जाएँ, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी, आप खुद से नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत है। पहले ये वीडियो समझ लो अच्छे तरीके से, फिर एक बार नोटिफिकेशन रीड करो, तब फॉर्म अप्लाई करना। जब फॉर्म भरोगे तो कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है ये सिलेक्ट कर पाना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है। उसमें भी हम आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी आप जुड़ जाना। इस बार अगर सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 की मैं बात करूँ, टोटल वैकेंसीज हमारे पास 5369 है, और इतनी वैकेंसी सिलेक्शन पोस्ट में पहले नहीं आई हैं, ठीक है। पिछले साल के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और जैसे एसएससी के सभी एग्जाम्स में इस बार ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से रखें। जो लोग सीजीएल सीएचएसएल या एसएससी के बाकी एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो पैटर्न एग्जाम का बिल्कुल वैसा सही है, तो आप फॉर्म फिल करें, एग्जाम दें, लगभग वैसे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप अच्छा करेंगे, ठीक है। आपकी तैयारी ऑलरेडी है इस एग्जामिनेशन की भी, ठीक। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे 5369 वैकेंसीज ओवरऑल तो हैं, लेकिन आप सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। हो सकता आप इनमें से सिर्फ 50 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकता है सिर्फ 100 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं, तो खुले दिमाग से वीडियो को समझने की कोशिश करना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर डिसाइड करना कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, और चैनल से जुड़े रहें एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, सारे अपडेट्स के लिए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, फ्री क्रैश कोर्सेज के लिए, ठीक है। और आरबी एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं, जिसमें कंप्लीट तैयारी आप मेरी गाइडेंस के अंदर कर सकते हैं। सारे आरबी के टीचर्स आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं हमेशा। पॉलीटेन कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी मेंस भी हो चुका है, जो सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स का सिलेबस मोर और लेस सेम है। आरबी पे बेस्ट कोर्सेज बेस्ट टीचर्स के साथ आप अपनी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो कोड है ये 9th तक वैलिड है। तो टेलीग्राम चैनल पे फेस 10 हुआ, फेस 11 का मतलब ये है कि 11वीं बार सिलेक्शन पोस्ट का पेपर एसएससी करवा रहा है। उससे पहले फेस 10 भी हुआ है, फेस 9, 8, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सारे के सारे। इनके जितने भी शिफ्ट हैं सारी की सारी शिफ्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पेपर के लेवल को समझ सकते हैं, ठीक है। फेस 10 का टीयर 1 का एग्जाम रिजल्ट आया था, उसके बाद का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है, तो काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है, तो ये सारी की चीज़ें हम देखेंगे। देखो प्रोसेस में टाइम लगता है इसमें, तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, आप 27 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लगभग 20 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। कोशिश करें अभी तो आज वीडियो देखने के बाद अचानक से फॉर्म फिल ना करें, इसमें मैं काफ़ी मदद करने वाला हूँ आपके फॉर्म फिल करने में। तो 3-4 दिन वेट करें, चीज़ों को समझें, उसके बाद आप फॉर्म फिल करना। लास्ट डेट का भी वेट मत करना, सर्वर इशू की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। जो आइडियल टाइम होगा आपका फॉर्म फिल करने का वो होगा 10 से 20 के बीच में, ठीक है। इन डेट्स के बीच में आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपना कम टाइम में आप फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको मिलेगी नहीं, ठीक। फॉर्म फिल करते टाइम बाई चांस कोई गलती हो गई आपसे, तो एक करेक्शन विंडो का भी प्रोविजन है। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म को सही कर सकते हो, उसे कुछ पे करना पड़ेगा उसके लिए आपको। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, जून जुलाई के अंदर आपका टीयर 1 एग्जाम कराया जाएगा, उस टीयर 1 के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, तो सिंगल एग्जामिनेशन है। अगर मैं पोस्ट्स की बात करूं, यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की पोस्ट है, मतलब एमटीएस से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक की पोस्ट है, मतलब 30,000 रुपये महीना सैलरी से लेकर आपके 85,000 रुपये महीना तक की सैलरी की पोस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप पहुंच जाते हैं ड्रीम जॉब तक एक बार के में तो बहुत अच्छा रहेगा। टोटल वैकेंसी रीजन वाइज मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर दी है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिस बार एनआर रीजन के अंदर है, और मैक्सिमम लोग जो फॉर्म फिल करते हैं वो एनआर और सीआर रीजन से ही होते हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अदर रीजन की भी आप वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक ठाक है। सीआर रीजन की वैकेंसी इस बार कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन सीआर रीजन वाले एनआर रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी रीजन से आप बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता, आप हर रीजन की वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहते हो। क्लियर है इतना पार्ट? तो अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने के लिए रेडी हो तो आप उसकी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। प्रोसेस क्या है? सबसे पहला तो सक्सेसफुल फॉर्म फिलअप, ठीक है, सही तरीके से फॉर्म को फिल कर पाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा,
उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, इस एग्जाम को भी डिटेल में समझेंगे हम। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इस बार एसएससी ने प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया, पहले हार्ड कॉपी भेजनी होती थी डिपार्टमेंट के अंदर, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करते थे। अभी एसएससी ने कहा है कि ऑनलाइन हम एक लिंक क्रिएट कर देंगे, उस पर आप अपलोड कर देना, ठीक है। ये वाली सर्विस एसएससी स्टार्ट करने वाली है, तो प्रोसेस इससे फास्ट होगा थोड़ा, ठीक। तो कहा गया है प्रोबेबली ऐसा करेंगे, श्योरिटी नहीं दी एसएससी ने, लेकिन हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग काम नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको एसएससी की वेबसाइट पर फिर अपलोड करने होंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसके अंदर स्किल टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट होंगी जिसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, अगर उसमें स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और सबसे बुरी चीज, स्कोर कार्ड, जो टीयर वन का एग्जाम आपने यहाँ पे दिया है उसका स्कोर कार्ड सबसे लास्ट में देंगे। नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ा, क्या हुआ, फाइनल कितना बना, आपका यहाँ पे पता चलेगा। ऑल्दो आंसर की पे आपको रो स्कोर पता चल जाता है कि आपने एक्चुअली में कितना स्कोर आया। फिर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, फिर एक नॉर्मलाइज स्कोर निकल के आता है जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है, वो आपको सबसे लास्ट में ही पता चलेगा। तो ये एक बुरी चीज़ है इस एग्जाम की, ऐसा क्यों करते हैं ये एसएससी को ही पता है, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बट ये गलत है ये मेरे हिसाब से। ये साथ के साथ जैसे सीजीएल बाकी एग्जाम्स में आता है वैसे ही होना चाहिए। टीयर वन एग्जाम का पैटर्न सिंपल है, आपका जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांट है आपका, और इंग्लिश लैंग्वेज है। 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, एक क्वेश्चन दो नंबर का। सही कर दोगे तो आपके दो नंबर मिलेंगे, गलत करने पे -0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी है। बिल्कुल सीजीएल जैसा पैटर्न है आपका, ठीक है। और अगर आप देखेंगे सीजीएल में तो टीयर वन अब क्वालिफाई होगी, इसमें क्वालिफाई नहीं, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। 60 मिनट आपको पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 3-3, 4-4 शिफ्ट में पेपर करवाया जाता है, तो 5-6 दिन में पेपर पूरा का पूरा निबट जाता है, ठीक। अब ये कैसे एग्जाम कराया जाएगा, कितने लेवल्स पे होगा, आपको कितने एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम एलिजिबिलिटी पे जाएंगे, ठीक है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो इतने हैं, ऑल्दो ये मैटर नहीं करता क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर मैं वैकेंसीज को देखता हूँ, जो एसएससी की वेबसाइट पे वैकेंसीज दी गई हैं, आप देखेंगे जैसे रीजन वाइज दे रखा, NWR में एक पोस्ट कोड दे दिया, पोस्ट का नाम क्या है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एज कितनी है, पे स्केल कितना है, ग्रेजुएशन एंड अबव, और यहाँ पे आपको वैकेंसीज दे रखी कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 540 के आसपास क्या है, अलग अलग पोस्ट्स हैं। वो 540 अलग अलग पोस्ट्स मिलके टोटल जो वैकेंसीज है हमारी 5369 वो बनाती हैं। तो 540 में से आप कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं ये आपको देखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे देखो तीन चीज़ें दिखेंगी आपको, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाऊँ मैं तो मेरे पास या तो होगी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, या फिर होगी मैट्रिकुलेशन लेवल की, या फिर होगी हायर सेकेंडरी लेवल की। थ्री लेवल्स की मेरे पास पोस्ट है, लेकिन खाली आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप ग्रेजुएशन की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। खाली मैट्रिकुलेशन की है, मैट्रिकुलेशन की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। खाली हायर सेकेंडरी करी है तो भी सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगी, क्योंकि इसमें हिडन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दी गई है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। उसके फॉर्म भरते टाइम आपको उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, वरना आप इनएलिजिबल पाए जाओगे उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो पेपर देने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास तीन लेवल हैं, तो तीन ही मैक्सिमम आपको टीयर वन एग्जामिनेशन देने होंगे। क्या करने होंगे, हमने कहा हमारे पास क्या है, तीन लेवल्स हैं। ये मैंने NWR रीजन का थोड़ा सा दिखाया है आपको, ऐसे सभी रीजन्स के अलग अलग पोस्ट कोड्स होंगे, वैकेंसीज बता रखी होंगी, ठीक है। और आपको उसी पोस्ट कोड के हिसाब से, ये जो पोस्ट कोड है इसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना होगा अपना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट है, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल रीजन्स है, ठीक है, NREER किसी भी रीजन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ग्रेजुएट है तो वो तो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, इस लेवल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, इस लेवल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। हायर सेकेंडरी वाला इस लेवल के लिए भी और इस लेवल के लिए भी एलिजिबल है। खाली मैट्रिकुलेशन जिसने की है वो सिर्फ इस लेवल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो एक एस्पिरेंट मैक्सिमम कितने लेवल के एग्जाम्स दे सकता है? तीन लेवल के एग्जाम्स दे सकता है, और मैक्सिमम जो एग्जाम्स होंगे उसके वो तीन ही होंगे। एक लेवल के लिए सिंगल एग्जाम कराया जाएगा, चाहे उस लेवल में कितने भी पोस्ट हों। इस लेवल में मैट्रिकुलेशन लेवल में चाहे मेरे पास यहाँ पे 200 पोस्ट हों, 200 डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड्स हैं मैट्रिकुलेशन लेवल के, तो एक सिंगल एग्जाम ही होगा। आपने फॉर्म भरते टाइम मैट्रिकुलेशन लेवल के एक फॉर्म आपने ईस्टर्न रीजन का भर दिया, तीन फॉर्म आपने वेस्टर्न रीजन के भर दिए, छः फॉर्म आपने सदर्न रीजन के भर दिए, सदर्न रीजन जिनकी छः पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। इन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ एक सिंगल एग्जाम आपको देना है,
ऐसे ही हायर सेकेंडरी की बात करूं, आपने हो सकता है एन फॉर्म्स नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो अलग अलग रीजन से या एक ही रीजन से, मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको एक सिंगल पेपर हायर सेकेंडरी लेवल का देना होगा। और अगर एन नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है अलग अलग रीजन से, तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी आपको एक सिंगल एग्जामिनेशन देना होगा। तो मैक्सिमम एक कैंडिडेट तीन एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एक लेवल की पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल एग्जामिनेशन नहीं होंगे, चाहे कितनी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। अगर आप उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेके आते हो तो आप क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं करोगे। तो हो सकता है एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट ने 20 पोस्ट पे अप्लाई किया है, ठीक है, तीनों अलग अलग लेवल की पोस्ट है, तो हो सकता है वो 10 लेवल की 10 पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर करे, 10 की कट ऑफ में एलिजिबल ना हो। क्या ये छोटा सा प्रोसेस समझ में आ गया सभी लोगों को? और जो तीनों के तीनों लेवल के एग्जामिनेशन है उनका एग्जाम पैटर्न सेम ही है, सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा, लेकिन एग्जाम पैटर्न यही है बिल्कुल। ये चार सब्जेक्ट्स ही आपको तीनों लेवल की पोस्ट के लिए पढ़ने हैं। सिमिलर से आप पेपर देके भी आएंगे तो आप कह नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से कि आपने कौन से लेवल का पेपर दिया। ऐसा नहीं है कि मैट्रिकुलेशन लेवल है तो बहुत आसान पेपर होगा, ग्रेजुएशन लेवल है तो बहुत मुश्किल होगा, हायर सेकेंडरी लेवल है तो मिडिल का एग्जाम होगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, 19-21 का डिफरेंस हो जाता है, कई बार मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर चला जाता है, ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर चला जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन पैटर्न सबका यही है, ठीक है। टाइम भी सब में बराबर मिल रहा है, तो सिमिलर तैयारी आपको करनी है किसी भी लेवल की पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस में माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। मैट्रिकुलेशन लेवल में कुछ चीजें कम पूछी जाती हैं, दैट्स इट। क्लियर हो गया क्या इतना पार्ट? तो मैंने कहा जैसे आप यहाँ पे वैकेंसीज में भी देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग एज लेवल के लिए अलग अलग पोस्ट है, 18 से 25 के लिए, 18 से 27 और 18 से 30। अगर आप 30 साल से ऊपर हो गए हो अनरिजर्व कैटेगरी से तो शायद आपके लिए अगर एकाधिक पोस्ट हो तो बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलेगा, जो जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का, एससी कैंडिडेट्स को, एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, ठीक है, तो वो वाला रिलैक्सेशन आपके पास अपर एज लिमिट में रहेगा। लेवल 1 से 7 तक की जो है तो एमटीएस से इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, 30,000 से 85,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। जो आपकी एज देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से देखी जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे ये रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में जो ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलता है, अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं या एक्सपीरियंस की भी बात करूं तो आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 27/3/2023 तक। मान लो आपने क्या करा, 12th के पेपर दिए, ठीक है, 12th के पेपर दिए, उसका जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको मार्कशीट मिलेगी, आपको पता चलेगा आप क्वालिफाई करे हो या नहीं करे हो, ठीक है, वो आपको पता चलना इस डेट से पहले जरूरी है, ठीक है। मतलब आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, तभी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। दूसरी चीज, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें एक्सपीरियंस मांगा होगा, या कुछ पोस्ट ऐसा होगा जैसे 12th पास लिखा है, 12th पास लेकिन किस में, साइंस फील्ड में होनी चाहिए, 12th पास किस में, आर्ट्स में होनी चाहिए, तो ये चीज भी लिखी होगी, तो उस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और वो स्टेट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी पोस्ट में कहा कि एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, तो आपका वो 2 साल का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर डेट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक्सपीरियंस के बारे में ये भी नोटिफिकेशन में लिखा है कि एक्सपीरियंस जो होना चाहिए आपका वो कंप्लीट, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस को लेके एक बार आप जरूर खुद से रीड करें, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, उस हिसाब से आप अप्लाई करना। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और वैकेंसीज के बारे में डिटेल में इसके थ्रू जा सकते हैं, ssc.nic.in पे जाएंगे, कैंडिडेट्स डैशबोर्ड में, मतलब लॉगिन करने के बाद आप नोटिफिकेशन को देखेंगे, ये नोटिफिकेशन है, पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करके देखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओबीसी का कैंडिडेट से नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, इस पर्टिकुलर डेट पे आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आने चाहिए, सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, इस डेट से पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया, जिन लोगों ने अभी इसी साल के अंदर कोई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो सारे के सारे आपके वैलिड रहेंगे। जनरली 3 साल की वैलिडिटी होती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड, आप 1 साल के अंदर, इस डेट से 1 साल पहले के बीच में आपने अगर बनवाया है तो बेहतर है कि आप एलिजिबल होंगे। उससे पहले का बना हुआ है तो आप कोशिश करें कि नया ओबीसी सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। वैसे 3 साल जहां तक मैंने पढ़ा है, 3 साल पीछे तक के एसएससी वैलिडिटी मान लेता है, तो इस डेट से पहले अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। बाकी लोगों को भी बता दें इस चीज के बारे में। लोगों क्या होता है, पूरा एग्जाम क्लियर कर लेते हैं फिर सर्टिफिकेट की वजह से फेल होते हैं, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो एक्सपेरेंट बताते हैं, सर सिलेक्शन नहीं हो पाया, सर्टिफिकेट ही नहीं था मेरे पास, बन नहीं पाया, ठीक है। तो हमें भी दुख होता है, हमने पढ़ाया बच्चों को, इतनी मेहनत करी हमने भी एस्पिरेंट के ऊपर, एस्पिरेंट ने खुद इतनी ज्यादा मेहनत करी, 2 साल लगा दिया अपनी जिंदगी के, 1 साल लगा दिया और फाइनली सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप लोग रखेंगे।
उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी इस डेट पे आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस डेट पे आप ईडब्ल्यू एस कैटेगरी में आने चाहिए। तो आपने अगर सीजीएल सीएचएसएल, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक साल ही होती है, तो अगर सीजीएल सीएचएसएल के टाइम पे आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाया 2022 एग्जामिनेशन के लिए, जो भी फॉर्म निकले थे वो भरे हैं आपने, तो उसमें अगर आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाया तो वो चल जाएगा। वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिड होगा आपका जो 1 अप्रैल 2022 से के बाद आपने बनवाया है, और 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक वैलिड है, ठीक है। तो ये आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, सेंट्रल का होना चाहिए। अगर एससी एसटी सर्टिफिकेट की बात करूं तो स्टेट के भी वैसे चल जाते हैं, बट आप सेंट्रल का बनवा लो तो बेहतर है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कोई इतना क्राइटेरिया नहीं होता कि अभी का बनाना चाहिए, एक साल पहले का बनाना चाहिए, 4-5 साल 3-4 साल पुराना भी आपका है, आराम से चल जाए, ठीक है। इस डेट में आप इस कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में आने चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी स्टेट से पहले का होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ आगे, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में है, इसे एक बार अच्छे से रीड करेंगे आप लोग। फीस जो है फॉर्म की वो 100 रुपये रखी गई है। अगर आपने 10 फॉर्म भरे तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, हर फॉर्म के लिए 100 रुपये भरने पड़ेंगे आपको। तो 10 पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म की फीस कितनी होगी, 1000 रुपये। आप 20 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 2000 रुपये, ऐसे आपको चलेगा। हर फॉर्म के लिए आपको हर एक पोस्ट की अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये भरने पड़ेंगे, तो ध्यान से भरें। फायदा किसे है, वुमेन कैंडिडेट्स को है, क्योंकि उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, तो वो जितने मर्जी भर सकते हैं। बाकी लोग जो अनरिजर्व कैटेगरी से, वो ध्यान दें कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, और उसमें भी जिसमें लगता हो कि चांसेस है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ 4-4, 5-5 वैकेंसीज आपको दिखेंगी, लेकिन हो सकता है उसमें जो क्वालिफिकेशन मानी हो वो स्पेसिफिक हो, सिर्फ आपके पास हो, लिमिटेड लोग हों जो उस क्वालिफिकेशन वाले हों, जो इस एसएससी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हों, ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये मत सोचना कि इस पर्टिकुलर पोस्ट की सिर्फ 10 ही वैकेंसी है तो 10 वैकेंसी में मेरा नाम कहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है। कट ऑफ सबसे ज्यादा उन पोस्ट की जाएगी जिसके लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। और वो पोस्ट मैं अलग से बता भी दूंगा आपको टेलीग्राम पे कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो आप देख के फिर फॉर्म फिल करना, टेलीग्राम पे उसकी लिस्ट डाल दी जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है। टीम काम कर रही है उस पर ऑलरेडी। फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछा जाएगा कौन से रीजन में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो 3 रीजन जनरली पूछे जाते हैं। तो जो पहला फॉर्म भरेंगे ना, पहली पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपने पहली पोस्ट वन के लिए आपने क्या करा, अप्लाई करा, ठीक है। उसमें आपने से कर दिया आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपने पहला रीजन डाल दिया दिल्ली, दूसरा डाल दिया देहरादून, तीसरा डाल दिया आपने रोड की, ठीक है। तो ये फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आप पोस्ट टू के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो ये रीजन नहीं चेंज कर सकते आप, जो रीजन रहेंगे इन्हीं रीजन में आपका एग्जाम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम मान लो 4 से 5 दिन की ड्यूरेशन में है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ग्रेजुएशन लेवल का आप एक ही एग्जाम देंगे, मेट्रिकुलेशन लेवल का एक देंगे, हायर सेकेंडरी लेवल का एक एग्जाम देंगे। तो अगर एसएससी ऐसा करे कि एग्जाम आपका एक तो डाल दे साउथ में, ठीक है, एक एग्जाम डाल दे आपका नॉर्थ में, एक डाल दे ईस्ट में, तो क्या आप सारे एग्जाम्स दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पहली पोस्ट कोड जब आप पहली बार फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें जो डेस्टिनेशन डालेंगे एग्जाम का वही आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं वो भी एसएससी कई बार दूर दूर भी दे देता है, मतलब सिर्फ से दिल्ली में ही है, अलग अलग लोकेशन पे भी आपका एग्जाम हो सकता है, तो बी रेडी फॉर डेट। अगर एक दिन आपके दोनों एग्जाम पड़ गए, हायर सेकेंडरी लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का, तो एसएससी को मेल करके आप बता देंगे एग्जाम से पहले, तो वो सही कर देंगे। जनरली ऐसा देता नहीं, कुछ कैंडिडेट का ओवरलैप कर जाता है कि दोनों एग्जाम एक साथ पड़ गए, एक ही दिन में मान लो सुबह दे दिया हायर सेकेंडरी लेवल का, शाम को दे दिया ग्रेजुएशन लेवल का, सेंटर भी अलग अलग है, बहुत दूरी पे है, तो ऐसे में एसएससी को मेल करेंगे तो वो सेंटर चेंज कर देंगे आपका, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी मैं बता रहा हूँ, लास्ट में याद रहे ना रहे, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, मैंने बता दिया है, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, और फिर जनरल अवेयरनेस है, चारों सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले अगर आप इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो रीजनिंग, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश और क्वांट, ये 3 सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर आप सीजीएल को भी टारगेट कर रहे हैं तो फिर जीके पे भी ध्यान देना है आपको, और बाकी एसएससी एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो जीके को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। आपके पास यहाँ पे जून जुलाई में आपका एग्जाम किया जाएगा, अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं, 3.5 से 4 महीने। और जो लोग बिगिनर्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक है, वो अच्छे तरीके से इस एग्जाम के 4 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं। 6 से 8 महीने में तो मैं कहता हूँ एसएससी के कोई भी एग्जाम की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, 6 से 8 महीने अगर लग के मेहनत कर लें। और 4 महीने में भी अगर आप रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, गाइडेंस में पढ़ेंगे टीचर्स की, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
क्योंकि एग्जाम में जैसे कि अभी लेटेस्ट में देखा जा रहा है तो ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं बनाए जा रहे, ठीक है, लिमिटेड चीजों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वही चीजें अगर हम एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से कर जाएं तो सिलेक्शन तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। अब वो दिन गए जो लोग टीचर्स जबरदस्ती रेलिवेंट कैट के, मैट के, जेट के सवाल करा रहे होते थे, एग्जाम में आता कुछ नहीं था, ठीक है। अभी आपको भी पता है सीजीएल मेंस हुआ है, उसका पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। टीयर वन हुआ था, उसका भी मुश्किल नहीं था लेवल, तो एसएससी ने लेवल मेंटेन रखा, एजी रखा कि बच्चे फर्स्ट टाइम में भी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर अच्छे से सही डायरेक्शन में तैयारी करें। प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करो कि कैसा पेपर आ रहा है, पहले देखो टेलीग्राम पे सारे पेपर डाले हुए, ठीक है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो कि आपको नीड है नहीं है, कैसे आपको पढ़ना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्जाम में ये रखे गए हैं, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि टीयर वन में इतने पार कर दिए तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं, वो मेरिट के बेसिस पे आपकी लिस्ट निकाली जाएगी। जो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 5 या 5 से कम वैकेंसीज हैं, उसमें 30 गुना कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर वन को क्वालिफाई करेंगे। मान लो 2 वैकेंसी है मेरे पास, तो कितने 60 कैंडिडेट्स को टीयर वन क्वालिफाई कराया जाएगा उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें मेरे पास 5 से ज्यादा वैकेंसी है, मान लो मेरे पास क्या है 6 वैकेंसीज है, तो 15 गुना कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स हो गए 90, 90 कैंडिडेट्स होंगे जो टीयर वन को क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, एक ही एस्पिरेंट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, जॉब तो वो एक ही लेगा, इसलिए इतने ज्यादा गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है, सिलेक्शन तक पहुंचते भी है, उससे पहले सीजीएल सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं, सीजीएल से जॉब ले लेते हैं या किसी और एग्जाम से जॉब ले लेते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि जरूरत है या नहीं है, तो वो डीवी में आगे के प्रोसेस में जाते भी नहीं है, तो ऐसा भी होगा, ठीक है। बाकी पूरी तैयारी के लिए आरबी के कोर्सेस आप देख सकते हैं, ऑफिसर बैच अगर आप एनरोल करेंगे, अभी तो होली 10 का कोर्स चल रहा है, तो आपको 1800 रुपये में ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे सेक्शंस कवर हैं, सारी वीडियो जुड़ रही है, अपलोड कर दी गई है, हर वीडियो की क्लास नोट्स पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के पेपर चैप्टर वाइज सिलेक्शन पोस्ट के, बाकी एग्जाम्स के, वो आपको मिल जाएंगे एसएससी के। सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट के पेपर करना ही कंपलसरी नहीं है, उसके अलावा सीजीएल सीएचएसएल, क्योंकि सारे एग्जाम्स एसएससी के द्वारा कराए जा रहे हैं, टीसीएस वेंडर है वो पेपर बनाता है, तो सारे एग्जाम्स का लेवल मोर ऑर लेस सिमिलर रहता है, तो सारे के सारे पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरबी एप्लीकेशन पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, खाली मैथ्स का कोर्स देखना है आपको, तो वो भी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आपको लगता है कि सिर्फ एक मुझे जीके में दिक्कत आ रही है, तो आप जीके के कोर्स के साथ जाएं, आपको खाली लगता है कि इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश के कोर्स के साथ। पीडीएफ चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए एसएससी एग्जाम्स की लेटेस्ट की, तो उनके पीडीएफ्स भी चैप्टर वाइज अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप हर पे मिलते हैं, जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे एसएससी फॉर्मेट में, आरबी मॉक टेस्ट फॉर्मेट में पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। एक बार मैं सिलेबस फटाफट से आपको गो थ्रू करता हूँ, उसके बाद हम फॉर्म फिलअप पे थोड़ी सी बातें करेंगे। मैट्रिकुलेशन लेवल का आप सिलेबस देखेंगे, वही एसएससी के जैसे नॉर्मल एग्जाम्स का सिलेबस होता है, वही है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें चैप्टर वाइज वेटेज भी दिखाऊंगा आपको, पिछले साल जो पेपर हुआ था सिलेक्शन पोस्ट फेस 10 का, फेस 9 का, तो उसमें क्या क्या वेटेज आए थे, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन हायर सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, मैट्रिकुलेशन लेवल पे पूछे गए थे, ठीक है। और उनके अगर मैं पीडीएफ दे पाया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे, तो उसका भी मैं बताऊंगा कि टेलीग्राम पे चैप्टर वाइज पीडीएफ ओवरऑल तो वैसे ही अवेलेबल है, मॉक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी अगर देनी होगी तो मैं टेलीग्राम पे फ्री अपलोड कर सकता हूं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, 4 लाख मेंबर्स हमारे टेलीग्राम पे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वी विल कीप मेकिंग गुड पीडीएफ फॉर यू। हायर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस देखेंगे तो हमारे पास ये है, मैट्रिकुलेशन लेवल में हमने देखा यहाँ पे सिलेबस में क्वांट में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीज़ें नहीं है, मेनली आपका अर्थमेटिक सेक्शन है और उसमें मेंशुरेशन मान लो आप। यहाँ पे हायर सेकेंडरी में मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा, इसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वगैरह भी आता है इसमें और इंग्लिश में। ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका कंप्लीट सिलेबस सीजीएल वाला रहेगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम मैंने बताया एन नंबर ऑफ पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी रीजन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है उसे हम कॉमन कैंडिडेट के नाम से जानते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद हर का आपको एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड करना होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, टीयर वन क्वालिफाई करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। स्क्रूटनी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होना है, अगर सब कुछ सही पाया गया तो स्किल टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजर डिपार्टमेंट के थ्रू कराया जाएगा, एसएससी नहीं कराएगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर्म भरते टाइम आपको खास तौर पर फोटोग्राफ का ध्यान रखना है, जो आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका फेस है वो 40% से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए फोटो का, और आपका फ्रंटल व्यू पूरा क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं तिरछा देख के फोटो खिंचवा ली, राइट, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है चश्मा पहन के फोटो खिंचवा लिए, चश्मा उतार के फोटो खिंचवानी है ऐसे, ठीक है। चश्मे वाले एलिजिबल नहीं होते, बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, बिना कैप के आपके फोटो होनी चाहिए, फोटो की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं ब्लर फोटो आ रही है, ठीक है, दिख ही नहीं रहा उसमें चेहरा ही, समझ में नहीं आ रहा किसने फॉर्म भरा है, फॉर्म कोई भर रहा है, पेपर देने कोई जा रहा है, पता कैसे चलेगा। जब आपकी फोटो क्लियर होगी तब तो आइडेंटिफाई करेंगे ना सेंटर पे कि यहाँ यही बंदा है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऐसे सिग्नेचर की बात है, ठीक है, तो जो
हमारे पास यहाँ पे रखा गया है फोटोग्राफ के लिए डायमेंशंस, तो यहाँ पे आपकी विड्थ है 3.5 और हाइट आपकी होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, ये रेशियो आपको मेंटेन करना है। तो और अगर मैं बात करूँ सिग्नेचर की, तो आपकी विड्थ होनी चाहिए 4 और हाइट होनी चाहिए 2, ये रेशियो मेंटेन करना है। कैसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप बनाएं घर में बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर, जरूरी नहीं आपके पास प्रिंटेड फोटो होनी चाहिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो दूसरी फोटो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको उस पर पैसे वेस्ट नहीं करने। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखी है कंप्यूटर पे या लैपटॉप मोबाइल पे, जैसे भी आप बनाना चाहो आप बैठे बैठे आराम से फोटो अपनी सिग्नेचर बना सकते हो, जो SSC में अपलोड हो जाए और वो अलाउ भी हो जाए। ठीक है, साथ साथ ये सारी फोटोग्राफ इन्होंने बता रखा है, जैसे ये वाली फोटो अलाउड है, ये सारी फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, तो ध्यान रखना। सब लोग इग्नोर करते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर को और सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर की वजह से लोग। ठीक है, और पता कब चलता है आपको फोटो रिजेक्ट हुए, जब एग्जाम से 10 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आने होते हैं तब पता चलता है भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर कुछ कर भी नहीं सकते, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बाद में परेशानी देती हैं। अब मैं फॉर्म भरने की बारी पर आता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। जैसे आपने देखा कि ये वैकेंसीज हमारी इस तरीके से दे रखी हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सिलेक्ट करें कि कौन सी पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अब पोस्ट कोड जैसे मैंने मान लो ये देख लिया, ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने तो चलो 12वीं का रखी है, क्या मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, तो हो सकता है यहाँ पे कि हमसे कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाए। हो सकता है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या कहा जाए कि आपने हिंदी 10th में पढ़ी होनी चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट है उसका कहीं से सर्टिफिकेट मांग लिए या कुछ और चीज़ मांग लिए, ऐसा भी मांगा जा सकता है। तो खाली यहाँ पे वैकेंसीज में आपको ये चीज़ चेक नहीं करनी, आपने जो वैकेंसी की PDF होगी जो नोटिफिकेशन में होती है, टेलीग्राम पे भी डाली थी, उससे इस पोस्ट कोड को आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, सभी रीजन्स का ऐसे दे रखा है, तो मैं एक एग्जांपल से पूरा का पूरा करके ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने NR रीजन की एक पोस्ट उठाई जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, इसका पोस्ट कोड है ये, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैकेंसीज लिखी हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 391 वैकेंसीज है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ हायर सेकेंडरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि इस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये तो लेवल हो गया, जो पेपर आएगा वो आपका हायर सेकेंडरी लेवल वाला आएगा, लेकिन आप SSC की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ रहा होगा, वहाँ पे आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये पोस्ट डिटेल्स, इस पोस्ट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ खुलेगा, ये वाली विंडो खुलेगी, यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, NR रीजन की पोस्ट वैकेंसी थी ना वो, तो यहाँ पे आप नॉर्दर्न रीजन को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा एग्जामिनेशन है, फेस 11 का चल रहा है तो फेस 11 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा आएगा, जो आपने पोस्ट कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे तो सर्च विंडो खुलेगी कंट्रोल F से, फिर आप कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपको ये क्या कहते हैं वैकेंसी दिखेगी, इसके अंदर आप देखेंगे लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है हमारे पास यहाँ पे, तो आप इस पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पूरा कच्चा छट्टा निकल के आएगा कि इस जॉब में है क्या, क्या काम करना होगा, कौन एलिजिबल है एक्चुअली में, कौन नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। सबसे पहले तो आपका या तो 10वीं पास हो या उसके इक्विवेलेंट कुछ कर रखा हो, वो हो गया। दूसरी चीज ये तो होना ही चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इक्विवेलेंट, या तो ये हो कि हमारे पास इसके अलावा 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग सब डिवीजन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स। ठीक है, तो ये दोनों, अब इन दोनों में से मेरे पास कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी एलिजिबल है। अगर आपने मान लो आर्ट साइड से 12th कर रखी है, आपने मान लो कॉमर्स साइड से 12th कर रखी है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, खाली साइंस साइड से 12th कर रखी है, ये सारा आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आप नहीं पढ़े हुए, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो इस तरह की हम PDF बना के देंगे जहाँ पे आपको ये सारी मेहनत जो आपने मैंने बताया, नोटिफिकेशन से पहले वैकेंसी देखोगे उसके बाद यहाँ पे सर्च करोगे, ये सारा काम बच जाए, आपको एक सिंगल PDF में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आप अच्छे से शॉर्ट कर पाओ। और वो वैकेंसी जिसके लिए सभी एलिजिबल है मेट्रिकुलेशन लेवल की, वो वैकेंसी जिसके लिए सभी एलिजिबल है ग्रेजुएशन लेवल की, और वो वैकेंसी जिसके लिए सभी हायर सेकेंडरी लेवल के लोग एलिजिबल हैं, वो अलग से आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसके लिए सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे काफ़ी हद तक बच जाएगा। इसके लिए आपको एक हफ्ते तक का वेट करना पड़ सकता है, कोशिश रहेगी जल्द से जल्द, हम ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं, लेकिन अभी होली भी है, कल होली की छुट्टी है एंड ऑल डैट, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसे ही मेरे पास एक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने निकाली, जैसे कि अगर NR रीजन की इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड की बात करूँ, तो ये 12th ग्रेजुएट मतलब हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है,
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ अ डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑफर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जिन्होंने करा हो, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं से करे हैं, उनके लिए ही एलिजिबल जिन्होंने डिग्री की हुई है इसके अंदर, या फिर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल। इस तरह से पूरा का पूरा आपको अच्छा तरीके से पढ़ना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट भी दे रखा है, फिर यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, नहीं। तो स्किल टेस्ट पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा, कौन सी पोस्ट है उसके हिसाब से उसका स्पेसिफिक स्किल टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैंने ये वाली सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है, इससे पहले मैंने ये वाली पोस्ट दिखाई आपको किसकी, जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ एग्जाम में पूछ ही नहीं रहे। आपने इंजीनियरिंग में कुछ करा हो या ना करा हो मैटर ही नहीं करता, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, देना आपको मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग ये पेपर के अंदर। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो जो लोग बाई चांस जिन्होंने ये इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, मान लो सिविल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने कर ली बाई चांस, ठीक है, और अब वो SSC एग्जाम्स में आना चाहते हैं, तो ये पोस्ट है आपके लिए। मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो CGL के लिए, अप्लाई करो, जॉब लो आराम से, ठीक है। ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा हो ना हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मैटर नहीं करता। क्या ये चीज़ समझ गया कि कोई टेक्निकल पेपर नहीं है आपका? स्किल टेस्ट पूछे तो कहीं कहीं जिसमें होगा तो है, इसमें जैसे स्किल टेस्ट भी नहीं है आपका, तो ऐसे आपको पोस्ट फिल्टर करनी पड़ेगी अपने हिसाब से जो बेटर है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये कि आप यहाँ से पोस्ट ले सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट PDFs होंगी, एक्सेल फाइल्स होंगी, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लिंक से, तो टेलीग्राम पे @RB_S को सर्च करें, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए वीडियो बना पाना भी इम्पॉसिबल होता है। जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि ज़रूरत है वीडियो बना के बताने की, या फिर मेरा मन है, ठीक है, एक होती है ज़रूरत, एक बार कई बार मन भी होता है कि आपसे बात करूँ, आपको कुछ चीज़ों के लिए बारे में बताऊँ, तो मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज चैनल पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, मैथ्स क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, जीके क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक आपका इंग्लिश के ग्रामर के क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं रिविजन करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ डालो, मैं देखूंगा, जो लगेंगे स्पेसिफिक डाउट मुझे जवाब देना चाहिए तो मैं उसके बारे में जवाब दूंगा। प्रोसेस के बारे में, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते कितना टाइम लग सकता है, जैसे जून जुलाई का आपका क्या होगा, Tier 1 कराया जाएगा, Tier 1 के बाद लगभग ऐसे से 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। Tier 1 का रिजल्ट आपका आएगा 3 मंथ के अंदर, आपको पता चलेगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करे हो। उसके बाद SSC के ऊपर है वो कितने टाइम में, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में स्क्रूटनी कराए, ठीक है। स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स SSC के पास जाएंगे, अब जाने के बाद SSC वेरीफाई करने में टाइम लगाएगा, तो 4 से 5 महीने आप मान के चलो कि स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराओगे वो वेरीफाई होंगे। इसमें अब किसी एग्जाम में स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट वगैरह कराया जाएगा, तो उसमें फिर टाइम लगेगा, जो भी लगेगा वो यूजर डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने कराना है स्किल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट और सिलेक्शन। तो इसमें प्रोसेस मोटा मोटा ये 1 साल से ज़्यादा प्रोसेस आपको लगना ही है, 2 साल तक भी लग सकते हैं, 1 से 2 साल आप आराम से मान के चलें कि आप अभी फॉर्म भरेंगे तो ये लग सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ Tier 1 देना है, Tier 1 के बाद आपको टेंशन फ्री होकर बैठ जाना है, बाकी काम SSC करेगा, आप आगे के जो SSC एग्जाम्स हैं वो देते रहें साथ के साथ, ठीक है। जब ज्वाइनिंग आएगी तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इतना लोड मत लेना इस एग्जाम का कि हाँ बस इस एग्जाम के लिए सब कुछ छोड़ के बैठ गए कि हाँ इसी से जॉब लगेगी अब तो, नहीं, अपनी तैयारी बाकी एग्जाम्स की करते रहो, इसे दे दो, Tier 1 देने के बाद अपना जैसे जैसे SSC बुलाता रहेगा करते रहना, परेशान मत होना कि अब रिजल्ट नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ इसमें लंबा खिंचता है ये, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं ये, मतलब ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते इस एग्जाम को, ये होता रहेगा जब हो रहा है, ठीक है। CGL को SSC सबसे ज़्यादा सीरियसली लेता है, बाकी थोड़ा लीनियंसी बाकी जगह रहती है SSC की, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।